जब से जांच का दायरा बढ़ा है, कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमितों की संख्या बढ़ना कोई समस्या नहीं है, समस्या तमाम मरीजों को अस्पताल में जगह देना है। राजधानी रांची में 1 सितंबर को 950 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले, यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। इसकी वजह यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने 20 जगह मुफ्त जांच केंद्र खोला है। लोग अब जांच में दिलचस्पी ले रहे हैं। निजी लैब में भी 1 सितंबर को 500 पॉजिटिव मरीज मिले। सिविल सर्जन के मुताबिक बढ़ती संख्या चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय है कि इन तमाम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कोविड अस्पताल पहुंचाया जाए और सबको इलाज की समुचित सुविधा मिले। पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, इससे हम लोगों को भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि जो पॉजिटिव केस मिल रहे हैं उनमें अगर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है या कुछ दिक्कत होती है तो इनका इलाज समुचित ढंग से हो सके, जिससे कि हम लोगों को मॉर्टेलिटी या फैटेलिटी रेट कम से कम हो सके। एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए हम लोगों को किसी प्रकार की कोई बेड्स की समस्या नहीं है। सिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए भी अभी पारस अस्पताल है, CCL है, रिम्स है, इसलिए अभी लेकिन फिर भी हम लोगों की निरंतर कोशिश बनी हुई है कि सिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए हम बेड्स की संख्या में वृद्धि कर सकें। जैसे जैसे जांच की संख्या बढ़ रही है, संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। 29 अगस्त को 1260 लोगों की जांच हुई और 257 पॉजिटिव पाए गए। 30 अगस्त को 1084 में से 248 पॉजिटिव और 31 अगस्त को 1144 में से 292 पॉजिटिव। 1 सितंबर को 3913 में से 951 पॉजिटिव पाए गए। लोग जांच कराने में झिझक रहे हैं। डर तो लगेगा ही, स्वाभाविक है डर लगना, तो इतना बहुत नहीं। मैं इसी पे रहता हूँ, मेरा ही टेस्ट। राजधानी रांची की बात करें तो 1 सितंबर को 20 जगह जांच केंद्र बनाकर 8,943 सैंपल लिए गए। निकट भविष्य में यह आंकड़ा और बढ़ेगा और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को बेड की संख्या को देख करके और घर में भी इलाज की उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान केंद्रीय टीम भी आने वाली है और स्वास्थ्य प्रशासन को इसकी भी तैयारी करनी है। कैमरामैन रिंकू के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची।